कोविड-19 के भयानक दौर से अभी हम बाहर निकले ही थे कि इसी बीच अब आ गया H5N1 बर्ड फ्लू का डर, और बताया जा रहा है कि ये बीमारी कोरोना से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। तो क्या है ये H5N1 बर्ड फ्लू, ये कितना घातक है और इससे बचाव के लिए डॉक्टर की क्या सलाह है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। कोरोना के खौफ के बाद अब एक नई बीमारी सामने आई है जो है H5N1 बर्ड फ्लू। जी हाँ, वैज्ञानिकों द्वारा इस बीमारी की चेतावनी दी गई है। बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू से उत्पन्न होने वाली महामारी कोरोना से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बीमारी के फैलने की संभावना काफी तेजी से बनी हुई है और अमेरिका में ये फ्लू ऑलरेडी तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 6 अलग अलग स्टेट्स में मैमल्स और कई सारे पशु इस बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। जानवरों के अलावा टेक्सास में एक डेयरी कर्मचारी भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो इस तरह के मामले सामने आना हेल्थ एक्सपर्ट्स और आम जनता के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बन चुका है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पिट्सबर्ग में एक प्रमुख बर्ड फ्लू रिसर्चर डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने कहा कि H5N1 में महामारी पैदा करने की क्षमता है, क्योंकि ये मनुष्यों के साथ साथ कई मैमल्स को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार अगर H5N1 के कलेक्टेड डेटा पर नजर डाली जाए तो इसका फेटलिटी रेट अराउंड 52% है, जो कि कोविड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो इस बीमारी की सीरियसनेस को ध्यान में रखते हुए हमने बात की डॉक्टर हर्षवर्धन से और उनसे जाना कि ये H5N1 बर्ड फ्लू क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या क्या है, इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई वैक्सीन बनी है और इससे बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतना जरूरी है। H5N1 ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, एवियन इन्फ्लुएंजा बोलते हैं इसको, और इसको जनरली लोग बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। और इस समय बड़ा इसका डर है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो गया तो ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है, उससे ज्यादा खतरनाक महामारी का रूप ले सकती है। लेकिन अभी तक फॉर्चुनेटली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। जैसे कोरोना था, कोरोना क्या होता था, एक इंसान को हुआ उस इंसान से दूसरे इंसान को हो रहा था, बट अभी तक एवियन इन्फ्लुएंजा या H5N1 अभी तक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। बर्ड से मैमल्स में कुछ केसेस में ह्यूमंस में आया है अब तक, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक नहीं हुआ है, संभावनाएं भी कम है। लेकिन सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सावधानी किसके लिए जरूरी है? सावधानी जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग बर्ड फार्म में काम करते हैं, पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, मीट को डायरेक्ट हैंडल कर रहे होते हैं उनको। और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत किसी भी वायरस इन्फेक्शन में होती है जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हो गए, कुछ केसेस में डायबिटीज के केसेस हो गए, इन लोगों को कोई एंटीवायरल दवाइयां पे चल रहे हैं, इन लोगों को ज्यादा इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज होती है और इन लोगों को और ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। हालांकि प्रिकॉशन सबके लिए जरूरी है, तो अगर सबके लिए बात की जाए तो जो मीट फॉर्म में काम कर रहे हैं उनको मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। हालांकि जो लोग मीट का कंज्यूम कर रहे होते हैं, जब कंज्यूम करते हैं तो मीट को बॉयल किया जाता है, और जब बॉयल करते हैं तो 70 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, और जब जाता है तो 70 डिग्री के ऊपर जैसे ही टेम्परेचर जाता है किसी भी फूड का, तो उसमें वायरस की संभावनाएं मिल के बराबर हो जाती है। फिर भी जब मीट को पका रहे होते हैं तो उस समय तो रॉ होता है, उस समय मीट के पकाते समय वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी मीट को पकाएं, मीट को हैंडल जब भी करें, उस समय पे मास्क का पहनना बहुत जरूरी है, हाथों में ग्लव्स का पहनना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हाथों का वॉश करना बहुत जरूरी है। सिम्टम्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ह्यूमंस में या कि आपके पालतू बर्ड्स में या किसी भी फार्म में आपको ऐसा देखा जा रहा है कि आंखों से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, जुकाम की कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, ह्यूमन में ह्यूमन डॉक्टर से संपर्क करिए, और एनिमल में आपको रिपोर्ट करिए अपने एनिमल डॉक्टर से, ताकि इस स्प्रेड को यहीं के यहीं रोका जा सके। अगर ये इन्फेक्शन बढ़ा तो ये कोरोना से भी खतरनाक रूप ले सकता है। अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, लेकिन
बचाव जो मैंने जानकारियां दे दी और इसका इलाज वायरल इन्फेक्शन का जो इलाज है वो इलाज होता है, वायरस का सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है, आपके डॉक्टर्स करते हैं, तो अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहिए। और जो इम्यून कम्प्रोमाइज लोग हैं, डायबिटिक के लोग, कैंसर के लोग, या किसी दवाइयों पे, एचआईवी की दवाइयों पे जो है, या एचआईवी जिनको है, ये लोग अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें। अगर कोई सिम्टम आता है तो उसको इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें। H5N1 बर्ड फ्लू से जुड़ी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।